स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रोमन न्यूमरल्स. ओके, रोमन न्यूमरल्स. अब अच्छे देखिए, न्यूमरल्स डू यू नो मैथमेटिकल फॉर्म. ओके, रोमन. अब आपको बच्चे मैथमेटिकल फॉर्म को डू यू नो स्टूडेंट, डिजिट 0 to 9. ओके, 0 to 9 को बच्चे, अब हमें ना रोमन काउंटिंग के अंदर आपको पता है बच्चे, कोई भी नंबर जो मेट किया जाता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स. डू यू नो स्टूडेंट, डिजिट्स आपके क्या होते हैं, 0 to 9. ओके, अब यहाँ पे बच्चे 0 to 9 डिजिट्स को यूज करके मीन्स आपको क्या बनाना है, नंबर. और नंबर को रिप्रेजेंट करना है बच्चे किस में, रोमन में. ओके, जैसे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 सो ये आपकी क्या होते हैं बच्चे, हिंदू अरेबिक काउंटिंग. ओके, अब इसे बच्चे रोमन में कैसे लिखा जाता है, जैसे 1 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 2 को 1 2. ओके, 3 1 2 3 4 1. ओके, देन V 5 V. ओके, 6 6 को V मीन्स 5, देन 6 7 5 6 7 8 5 6 7 8, देन 9 9 को कैसे राइट करेंगे, 1 x. और 10 10 को राइट करेंगे बच्चे x. ओके, अब बच्चे अब देखिए क्या चीज होता है, यहां से जब भी बच्चे आप क्या कर रहे हैं, स्मॉलर नंबर को टेक करते हैं, जैसे 4. ठीक है, तो 4 क्या होता है बच्चे, 5 माइनस 1 4. तो आपने स्मॉलर नंबर के लिए ऑलवेज बच्चे क्या रूल फॉलो करना है कि 1 डिजिट को आप कहाँ राइट करेंगे, लेफ्ट पे राइट करने पे. मींस वी में से जब 1 को माइनस किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, 4. तो इस नंबर को कभी भी आपने, जब आप बच्चे ग्रेटर नंबर राइट करेंगे, ओके, तो आपने क्या करना है, नंबर्स को राइट में शिफ्ट करना. और जब आप स्मॉलर नंबर राइट करेंगे तो बच्चे आपने क्या करना है, नंबर को कहाँ राइट करना है, लेफ्ट में. ओके, जैसे यहाँ पे 9 था तो आपने क्या लिखा, 1 x. ओके, जब बच्चे आप क्या राइट करेंगे, x और 1, तो ये क्या बन रहा है आपका, 11. तो 11 क्या है, ग्रेटर नंबर. तो जैसे जैसे बच्चे आप क्या करोगे, ग्रेटर नंबर राइट करोगे तो आपने कहाँ शिफ्ट होना है, राइट में. ओके, राइट में आप क्या करेंगे, अपने डिजिट को ऐड करेंगे. और जब बच्चे आप स्मॉलर नंबर को राइट करेंगे तो आपने क्या करना है, रोमन न्यूमरल के आगे क्या कर देना है, लेफ्ट में नंबर को राइट करना. तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, आपके स्मॉलर नंबर को. और नंबर के बाद वाली डिजिट आपकी किसे रिप्रेजेंट करती है बच्चे, ग्रेटर नंबर को. ओके, इसी तरह 10, तो क्या हो गया आपका 10. ओके, 10 को राइट क्या करेंगे बच्चे आप, x. अब कुछ बच्चे बेसिक यूनिट्स हैं रोमन न्यूमरल्स में जिन्हें आपको क्या रखना है, लर्न रखना है. जैसे 1 1. ओके, देन उसके बाद 5 5 के लिए क्या यूज करेंगे, v. देन 10 10 के लिए x. ओके, देन 50 50 के लिए क्या यूज करेंगे बच्चे आप, l. ओके, देन 100 100 के लिए आप क्या यूज करेंगे, c. देन 500 500 के लिए बच्चे क्या यूज करेंगे आप, d. ओके, देन 1000 1000 के लिए बच्चे आप क्या यूज करेंगे, m. ओके, अब बच्चे देखिए, जैसे ये 10 10 को हमने क्या राइट करना है, x. और जैसे 10 आपने राइट किया x. ओके, 20 आपने क्या राइट किया, 2 times x. अब 30 30 को आपने क्या राइट किया, 3 times x. ओके, अब बच्चे 40 40 को आपने इसी तरह राइट कर दिया, ये 4 times. बट दिस रोमन, ये क्या हो गया बच्चे, रोंग. ये रोंग गया, ये राइट नहीं है. बिकॉज 40 को आपने कैसे राइट करना है, 50 minus 10 होता है ना 40. तो आप रोमन न्यूमरल में l, अभी बताया ना स्मॉलर नंबर लेना है तो आपने कहा राइट करना है, लेफ्ट में. तो
यहाँ एल क्या माइनस करना है 10, तो आप क्या राइट करेंगे एक्स एल। ओके अब आपको बच्चे क्या क्लियर हुआ कि एक तो एक्स को आप मोर देन 3 times यूज नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चे व्हेन यू राइट 60 तो आपने क्या राइट करना है एल एक्स। ओके व्हेन यू राइट 70 एल एक्स एक्स इस तरह से। ओके जब बच्चे 80 को आप क्या राइट करेंगे एल एक्स एक्स। अब क्या आया 90। अब सेम प्रोसीजर एल 4 times एक्स यूज नहीं करना, आपने क्या करना है बच्चे सी माइनस 10, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे 90। इस तरह से बच्चे आप क्या करेंगे अपने रोमन न्यूमरल्स को राइट करेंगे। ओके क्लियर है। रिमेनिंग टॉपिक स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके।